साउंड को बनाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। चलिए, मल्टीमीडिया सिस्टम हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट साउंड, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे देखिए साउंड में हमने ऑडियो साउंड आपको बताया हुआ था, जिसके अंतर्गत डिजिटल साउंड का यूज करना बताया था, और डिजिटल साउंड की कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई हुई थी स्टूडेंट। उन प्रॉपर्टी को यदि आप यूज करते हैं तो आप डिजिटल साउंड को आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जो हमने सीखा था ये बताया हुआ था साउंड क्या है, कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। करेक्टरिस्टिक्स में दो चीज मैंने आपको बताई थी, एक तो फ्रिक्वेंसी बताया था, दूसरा एम्पलीट्यूड बताया था। मैंने बताया था जब फ्रिक्वेंसी हम चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो उससे इफेक्ट क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है उस पर इफेक्ट आता है और तेजी के साथ साउंड चलने लगता है। एम्पलीट्यूड जो होता है लाउडनेस को बढ़ाता है, जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं लाउडनेस आपकी बढ़ती है। ये हमने बताया था लो पिच और हाई पिच के रूप में फ्रिक्वेंसी जो होती है जो मेजर की जाती है, हाउ मेनी साइकिल इन आकर 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं, जैसे ये नंबर ऑफ साइकिल, इसमें ज्यादा है इसमें कम है। यदि साइकिल ज्यादा बन रहे हैं तो हाई पिच माना जाएगा, यदि साइकिल कम बन रहे हैं स्टूडेंट लो पिच माना जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था, एम्पलीट्यूड भी बता दिया था कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने होते हैं वो आपके एम्पलीट्यूड कहलाते हैं। अब एज ए प्रैक्टिकल इनको सीखेंगे स्टूडेंट, ये रिकॉर्डिंग करना भी हमने सीखा था, डिजिटल साउंड को कन्वर्ट करना भी बताया था मैंने, एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और सैम्पलिंग रेट क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था। नंबर ऑफ डॉट्स, जितने पॉइंट आपके बनेंगे जितना ठीक सैम्पलिंग रेट होगा, हाई सैम्पलिंग रेट नंबर ऑफ पॉइंट देखिए बढ़ते जाएंगे, इसके कम सैम्पलिंग रेट में नंबर ऑफ डॉट्स कम हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं और उसी प्रकार से फ्रिक्वेंसी निर्धारित की जाती है। ये भी बताया था जब भी हम साउंड बनाते हैं उसमें हमको एम्पलीट्यूड बताना पड़ता है और सैम्पलिंग रेट बताना पड़ता है, बिट बताना पड़ता है, उसके चैनल बताने होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट, उसका साइज निकालना भी मैंने बता दिया था, और ये भी बताया था कि डिजिटल ऑडियो को काम करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, जिसके लिए मैंने अलग अलग सॉफ्टवेयर बताया था। पीसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो आपका है साउंड फोर्ज, और इस पे हम सीखेंगे साउंड की एडिटिंग करना साउंड फोर्ज पे, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अदर सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हैं, फुल एडिट प्रो और गोल्ड वेव
सोने, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज आप करके साउंड को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज जो हमको पढ़ना है स्टूडेंट, MIDI ऑडियो क्या होता है, इसको सीखना है। देखिए MIDI ऑडियो जो होता है उसका पहले तो फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, यानी कि जो म्यूजिक है उस म्यूजिक में डिजिटल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना, डिजिटली तरीके से म्यूजिक को यूज करना, ये सबसे पहले यूज किया जाता था MIDI फॉर्मेट का यूज। जैसे आपने देखा हो स्टूडेंट, आज की डेट में तो डायरेक्ट हम डीजे पे लैपटॉप यूज कर लेते हैं, डिजिटली इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेकिन पहले कुछ ऐसे डिवाइसेस आती थी जिनको हम ऑडियो साउंड के रूप में यूज कर सकते थे, एनालॉग वेव होती थी और एनालॉग वेव के रूप में MIDI फॉर्मेट को हम यूज करते थे। बिफोर देयर वाज ए वाइड यूज द MP3 एंड हाई बैंडविड्थ नेटवर्क, जहाँ पे हाई लेवल पे बैंडविड्थ नेटवर्क की आवश्यकता होती है वहां पे हम इस ऑडियो को यूज करते हैं, और फूड वेबसाइट और उनके वेबसाइट के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। MIDI जो रिप्रेजेंटेशन होता है शॉर्ट हैंड, वो म्यूजिक स्टोर्ड इन द न्यूमेरिक फॉर्म, इसका जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो म्यूजिक को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक स्कोर एंड नॉट सैंपल और रिकॉर्डिंग नहीं होता, सैंपल होता, म्यूजिक स्कोर होता है। इट इज नॉट डिजिटलाइज साउंड, इसको हम डिजिटल साउंड नहीं कह सकते हैं, डिजिटल साउंड नहीं होता है। तो इस तरीके से इसकी जो आवश्यकता होती है, जो सॉफ्टवेयर की इसके साथ यूज किया जाता है, सिनेसाइजर, जो सिनेसाइजर आते हैं उनका यूज किया जाता है, रिक्वायर्ड आर ऑर्डर क्रिएटिंग द MIDI स्कोर, किस तरीके से हमको क्रिएट करना है, उस प्रकार के सिनेसाइजर को हम यूज करते हैं। MIDI इज डिवाइस डिपेंडेंट, ये जो साउंड होता है किस पे डिपेंड करता है, डिवाइस पे, कितनी अच्छी आपकी डिवाइस है उसी प्रकार से आपका साउंड बनेगा, जितनी अच्छी डिवाइस होगी, जितनी अच्छी डिवाइस की क्वालिटी होगी वो उतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये देखिए कुछ इसके एग्जांपल हैं स्टूडेंट, जो स्मॉल MIDI एम्बेडेड के रूप में यूज किया जाता है, ये इसके पार्ट है, इसका कीबोर्ड भी अलग आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से इसको यूज किया जाता था। जनरेटेड बाय रिकॉर्डिंग MIDI डेटा यूजिंग MIDI इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक जो कीबोर्ड है वो आता था एज ए प्लेबैक, इस तरीके का आपने यदि कहीं देखा हो, इस कीबोर्ड का यूज करके हम MIDI साउंड को जनरेट करते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसके लिए MIDI सिक्वेंसियर जो सॉफ्टवेयर आता है, इस सॉफ्टवेयर को यूज करके कुछ डिजिटल के रूप में हम काम कर सकते हैं, जैसे इसको कट करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, यानी कि साउंड की मिक्सिंग भी हम इसमें कर सकते थे। इस फॉर्मेट में कुछ साउंड को जोड़ देना, किसी से कुछ साउंड के पार्ट को हटा देना, इस तरीके का सारा वर्क हम MIDI फाइल पे कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये हुआ, अब आपको ऑडियो फाइल फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि MIDI पहचानेंगे कैसे कि MIDI फॉर्मेट कौन से हैं। तो देखिए ये MIDI फॉर्मेट है, यदि उनके सामने जो एक्सटेंशन नेम मिलेंगे आपको, MID मिलता है, .kr मिलता है, .MIDI मिलता है, .SMF मिलता है, ये जो साउंड फाइल होंगी वो किसकी होंगी, MI और DI की होंगी। और ऑडियो डिजिटल की यदि बात करें तो हमने पढ़ ही लिया है, इसमें डिजिटल में जो फाइल होंगी जो आप यूज करते हो विंडोज में जो मोस्टली यूज होती है, WAV यूज होती है, माइक्रोस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, .AIFF यूज होती है, यूनिक्स में .AU यूज होती है, और रियल ऑडियो RA यूज होती है, और MP3 यूज होती है। ये जो फॉर्मेट है डिजिटल के हैं, ये सारे फॉर्मेट आपको क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, डिजिटल, डिजिटल ऑडियो है, डिजिटल ऑडियो है, और ये आपका MIDI ऑडियो, ये आपका MIDI ऑडियो कहलाएगा। तो दो फॉर्मेट में हम साउंड को यूज करते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, MIDI वर्सेस डिजिटल ऑडियो क्या डिफरेंस है, ये पढ़ लेने से MIDI जो एनालॉग टू द स्पेक्टर,
जिसका स्ट्रक्चर होता है सिग्नल का वो एनालॉग में होता है, वेक्टर आए ये वेक्टर ग्राफिक्स, अभी हम समझेंगे, अभी ग्राफिक्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है मैं आगे समझाने वाला हूँ। और डिस्प्लाइड ऑडियो इज द एनालॉग टू द बिट मैप इमेज, बिट मैप इमेज की तरह होता है डिजिटल ऑडियो। क्या होता है वेक्टर और क्या होता है बिट मैप, मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टूडेंट आगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। MIDI डिवाइस डिपेंडेंट होती है, डिजिटल ऑडियो डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है। सबसे मेजर डिफरेंस आपको यही बताना है, MIDI जो होता है वो डिवाइस पे पूरा डिपेंड करता है, और जो डिजिटल ऑडियो होता है स्टूडेंट वो इंडिपेंडेंट होता है, वो उससे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है डिवाइस पे। MIDI फाइल आर द मच स्मॉलर देन, और डिजिटल ऑडियो जो MIDI फाइल का फॉर्मेट है वो छोटा होता है डिजिटल ऑडियो से, ठीक है। आप देखते हैं कंप्यूटर में कितना भी कॉन्फ़िगरेशन हो आपकी रिकॉर्डिंग उसी प्रकार से आपकी, जिस प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगी वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन यदि MIDI की बात करें तो उसकी डिवाइस पर डिपेंड करता है किस प्रकार की होती है। MIDI फाइल साउंड बेटर देन द डिजिटल ऑडियो, इसकी फाइल इससे अच्छी होती है, प्लेबैक एंड हाई क्वालिटी MIDI डिवाइस के साथ की पाई जाती है। तो ये आप जहां जरूरत हो यहां MIDI आप यूज कर सकते हो, या तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो डिजिटल ऑडियो। डिफिकल्ट प्लेबैक ऑफ द स्पोकन डायलॉग एंड डिजिटल ऑडियो कैन बी सो इजी, MIDI not has the consistent playback quality, digital audio quiet, इस प्रकार से बहुत सारे डिफरेंस हैं। आप हमें जिस प्रकार के साउंड की आवश्यकता होती है उस प्रकार के साउंड को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल ऑडियो जो होता है हमारा डायरेक्ट कंप्यूटर में यूज होता है स्टूडेंट, डायरेक्ट हम उसको क्या कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। MIDI को यूज करने के लिए हमको उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जब हमारे पास MIDI इंस्ट्रूमेंट होंगे तभी हम उस साउंड पे वर्क कर सकते हैं, और उसका सॉफ्टवेयर भी बिल्ट इन होता है, उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उसमें भी ऑडियो फाइल की जैसे उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये मैंने MIDI बताया, और शॉर्ट में यहाँ पे एक मीटिंग आपकी होगी स्टूडेंट 3D साउंड। 3D साउंड एक टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट, और मोर देन डेप्थ, इसकी डेप्थ बढ़ जाती है। ट्रेडिशनल जो साउंड था एक्चुअल में चैनल मैंने बताए थे आपको स्टूडेंट, एक मोनो चैनल बताया था, मोनो सबसे पहले जो चलता था मोनो चैनल चलता था। मोनो चैनल का मतलब होता है सिंगल स्पीकर, जो आपका ऑडियो होता है यदि मोनो चैनल पे बना दिया जाएगा तो उसकी साइज तो कम होगी लेकिन वो चलेगा सिंगल चैनल पे, जैसे दो स्पीकर रखे होते हैं तो एक स्पीकर पे आवाज सुनाई देगी दूसरे पे नहीं देगी, तो वो कहलाता है मोनो चैनल। फिर आया स्टीरियो चैनल, स्टीरियो चैनल में दो स्पीकर दोनों पे आवाज चलती है लेकिन इसका साइज बढ़ जाता है स्टूडेंट, फाइल का साइज भी बढ़ेगा। जैसे सैंपलिंग रेट, जितना सैंपलिंग रेट हम बढ़ाएंगे फाइल का साइज बढ़ेगा लेकिन साउंड की क्वालिटी बढ़ेगी। यदि सैंपलिंग रेट हम डाउन करेंगे तो फाइल का साइज डाउन होगा लेकिन आपका ऑडियो की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी डाउन, ओके। तो उसी प्रकार से जो 3D साउंड है तो 3 सराउंडिंग साउंड बन जाता है, 3D में आपको जो प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग साउंड बनेगा, चारों तरफ गूंजती हुई आ जाएगी, डायनेमिक जिसको कहा जाता है वो साउंड आपका क्या कहला जाता है 3D साउंड। तो हम कंप्यूटर में दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के साउंड कार्ड पर, साउंड कार्ड की क्वालिटी क्या है, कितना वो सपोर्ट करता है, उस प्रकार से साउंड को क्या किया जा सकता है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये हमने आपको स्टूडेंट बताया, और इसके बाद अब देखिए मैं आपको जो ये तो ऑडियो कंपोनेंट मैंने आपको समझाया स्टूडेंट, इसके बाद जो हमको सीखना है वो एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, ग्राफिक। मल्टीमीडिया का अगला जो कंपोनेंट है स्टूडेंट वो है ग्राफिक, ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। अभी तक जो हमने सीखा स्टूडेंट वो साउंड पे बात कर रहे थे, हमने मल्टीमीडिया के 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, फिलहाल टेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ लिया, दूसरा ऑडियो कंपोनेंट पढ़ लिया, तीसरा स्टार्ट कर दिया हमने ग्राफिक कंपोनेंट, मल्टीमीडिया इन ग्राफिक इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन।
तो देखिए ग्राफिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मल्टीमीडिया के अंतर्गत। जो ग्राफिकल इमेज होती है यूज किस लिए हम करते हैं, उसका डायरेक्शन के लिए, अटेंशन बताने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड कॉन्टेंट है कुछ, उनको बताने के लिए ग्राफिक्स को यूज किया जाता है। यहाँ तक कि ग्राफिक्स को इतना इम्पोर्टेंट बताया गया है स्टूडेंट मल्टीमीडिया में कि ये बोला गया 1000 वर्ड, यदि हम 1000 वर्ड लिख दें कहीं पे और उसकी जगह एक इमेज बनाकर किसी को समझा दें तो आसानी के साथ समझ में आ जाता है। एक इमेज की तुलना 1000 वर्ड के बराबर की गई है, 1000 शब्दों के बराबर एक इमेज वर्क करती है। तो इस तरीके से ग्राफिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आप जानते हैं जो छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है तो उनको A4 Apple सिखाया जाता है तो उसको ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है जिससे आसानी से उनको समझ में आ जाए। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में जो ग्राफिक्स यूज होते हैं स्टूडेंट वो बेसिकली दो तरीके के हो जाते हैं, 2 type of graphics। एक होता है आपका ड्रा टाइप ग्राफिक्स जिसको कहा जाता है वेक्टर ग्राफिक्स। आप हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट वेक्टर ग्राफिक्स या फिर उसको कह सकते हैं ड्रा टाइप ग्राफिक्स। रिप्रेजेंट एज इमेज एज ए जियोमेट्रिक शेप, और ये जो रिप्रेजेंट की जाती है इमेज ये किसके माध्यम से की जाती है, जियोमेट्रिक शेप यानी कि मैथमेटिकल के शेप यूज किए जाते हैं, जैसे आपका ये हुआ रेक्टेंगल हुआ, सर्किल हुआ, लाइन हुआ, इनके माध्यम से जब इमेज को बनाया जाता है स्टूडेंट तो वो इमेज कहलाती है वेक्टर ग्राफिक्स। ओके, अभी मैंने बताया था साउंड में वेक्टर ग्राफिक्स की तरह काम करता है MIDI और बिट मैप की तरह काम करता है कौन स्टूडेंट, डिजिटल ऑडियो। बिट मैप क्या होता है, रिप्रेजेंट द इमेज एज ए अरे ऑफ डॉट्स कॉल्ड द पिक्सल, यानी कि बिट मैप इमेज जो होती है स्टूडेंट वो पिक्सल से बनती है, पिक्सल मीन्स डॉट, ये इस तरीके के छोटे छोटे डॉट्स। जब बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स को मिला दिया जाता है तो वो इमेज कहला जाती है बिट मैप इमेज। और जब हम कोई मैथमेटिकल जियोमेट्रिक शेप का यूज करके कोई इमेज बनाते हैं वो कहलाती है वेक्टर ग्राफिक्स। दोनों की क्वालिटी अलग होती है, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रा टाइप यानी कि वेक्टर इमेज की। वेक्टर इमेज क्या होती है, ड्रा टाइप और वेक्टर इमेज जो आता है जियोमेट्रिक शेप स्टोर एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के रूप में उनको हम सेट करते हैं। जैसे ये यहाँ आप देख रहे हैं इस इमेज को स्टूडेंट, ये सभी जियोमेट्रिक एलिमेंट यूज किए गए हैं और उसके माध्यम से इमेज को रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी विशेषता क्या होती है, स्मॉलर देन द बिट मैप, बिट मैप से ये साइज में कम होती है स्टूडेंट, स्मॉल होती है। रिसाइज आसानी के साथ रिसाइज इसको किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है और नो डिस्ट्रक्शन, और इसमें किसी भी प्रकार की क्वालिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, नो फोटो क्वालिटी, और इसमें कोई ऐसी फोटो की क्वालिटी नहीं होती है। इसका मैं सबसे ज्यादा यूज बता दूं स्टूडेंट मैप के लिए किया जाता है, मैप बनाने में, क्योंकि मैप छोटे छोटे पार्ट होते हैं और उसको चाहे जितना जूम कर दो वो कभी मैप में क्या है, जो बिटमैप इमेज होती है जब उसको जूम किया जाता है तो उसके पिक्सल जो होते हैं वो खींचने लगते हैं और फटने लगते हैं तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। वेक्टर इमेज की यही विशेषता होती है, आप जितना जूम करेंगे उसके इमेज पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो चूंकि जो मैप होता है बहुत छोटा होता है इसलिए उसको जो ड्रा किया जाता है वेक्टर इमेज के माध्यम से बनाया जाता है, और ऑटोकैड जो यूज किया जाता है आर्किटेक्चर के लिए सॉफ्टवेयर वो जो इमेज बनाता है बिट मैप इमेज बनाता है। ओके, और भी मैं दिखाता हूँ ड्रा टाइप एग्जांपल, जैसे ये हैं बिट मैप के, आप इनको चाहे कितना जूम करेंगे इन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, अलग अलग शेप का यूज करके इमेज को बनाया जाता है। यही बात करें हम यदि अब बिट मैप की, तो देखिए बिट मैप जो होती है अरे ऑफ डॉट्स और पिक्सल, ये डॉट और पिक्सल से बनी होती है, ये बहुत छोटे छोटे यहाँ डॉट होंगे स्टूडेंट। आप जब कोई पेंट में इमेज बनती है तो वो बिट मैप इमेज होती है, आपको मालूम है कंप्यूटर में पेंट सॉफ्टवेयर पाया जाता है उस पर जब बनाते हैं, और जब आप उस इमेज को जूम करते हो जूम करते जाना तो अपने आप पिक्सल निकल के आ जाएंगे, मैं भी आपको ऐसे प्रैक्टिकली बता दूंगा। और कलर डेप्थ पर पिक्सल, जितने पिक्सल होंगे सबकी कलर डेप्थ निर्धारित होती है, सबके कलर अलग होते हैं,
हाई क्वालिटी पिक्चर तो नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ा देंगे, और नंबर ऑफ पिक्सल्स ही रेजुलेशन कहलाता है, आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। नंबर ऑफ रेजुलेशन बढ़ाएंगे यानी कि नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ेंगे, जब डॉट बढ़ेंगे तो डॉट छोटे छोटे बनेंगे और पिक्चर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, और इसकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है, साइज को हम आसानी से निकाल सकते हैं, फाइल की साइज को ये फार्मूला लिखा हुआ है, जितने नंबर ऑफ पिक्सल हो इंटू कलर डेप्थ जितना आपने दिया हो डिवाइड बाई 8, इससे आप आसानी के साथ इसकी फाइल के साइज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर। ओके, और जो आपकी इमेज है इस तरीके से आप कोई भी इमेज आप बना सकते हैं, इमेज साइज जो कैन बी बिकम लार्ज यू मस्ट बैलेंसिंग द नीड फॉर क्वालिटी, यानी कि सीधा सर यदि आप दोनों को बैलेंस करके चलना है, यदि आप उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ रेजुलेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ेंगे, जब पिक्सल बढ़ेंगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी लेकिन साइज भी बढ़ेगी, और जब आप उसके नंबर ऑफ रेजुलेशन कम करेंगे तो आपकी क्वालिटी कम होगी लेकिन फिर उसका साइज भी कम होगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है बैलेंसिंग बनाकर आपको चलना चाहिए। आप कोई भी देखते हैं यदि इंटरनेट पे किसी इमेज को मांगा जाता है अपलोड करने के लिए तो जेपीईजी कहता है वो क्यों, कंप्रेस इमेज होती है, और वो भी फिक्स कर देता है कि इतने साइज में मुझको चाहिए, क्योंकि आप हाई रेजुलेशन पे उस इमेज को बना देंगे तो उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा और इंटरनेट पे कहीं ना कहीं वो इमेज प्रॉब्लम है। ओके, तो ये दो टाइप आज हमने स्टूडेंट बताए, और आगे हम इनके सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, आप इतना प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट और इनको पढ़िएगा। उसके बाद हम साउंड एडिटिंग भी सीखेंगे, साथ में इन इमेज को कैसे बनाया जाता है, हम बिटमैप इमेज कैसे बनाते हैं, वेक्टर इमेज कैसे बनाते हैं, ये भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं।